जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान की कृपा होनी चाहिए हम सब पर, हैं? तो हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जब हम कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। श्री रामचरित जी की इस अच्छी अच्छी बातों को जो लीला करके हम लोगों को सिखाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई श्री रामचंद्र जी ने, तो उन बातों को हम अपनाएं अपने जीवन में तो हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन सुख शांति से भरा हुआ होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये सब आदतों को सीखें और अपने जीवन में उतारें। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ऐसी हम पर कृपा कीजिए जिससे कि हमारा घर, हमारी घर आस पड़ोस सभी लोग सबके लिए सोचेंगे तो भगवान जी हमारे लिए तो सोचेंगे ही। तो इसलिए कोई भी काम करो तो सबके लिए सोच के करो, ना कि मैं मेरा हो जाए, नहीं मेरा नहीं, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, ये सब भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी इन बातों से बहुत खुश होते हैं। तो हमें कृपा अपने राम जी की चाहिए हमें। जब तक हमारे राम जी की कृपा नहीं होगी तो हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो ये सब बातें हमें अपने राम जी से सीखनी चाहिए। ये सब बातें सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जो पानी आशुतोष तुम अवडर डानी आरत हरो दीन जन जानी। हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, कथा पढ़नी है, उससे पहले हमें ये दीपक जला के रखना चाहिए। दीपक जलाए बिना नहीं करना चाहिए। और ये चौपाइयां बोलनी चाहिए, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो पानी। हम श्री रामचंद्र जी को हर जगह हर समय देखते हैं, जय हो प्रणाम करते हैं हम इस तरीके से। मतलब महाराज जी बताते हैं, मैं कोई भी अगर बात बताऊं तो मैं अपने मन की बात नहीं बताती हूँ, अपने महाराज जी की बात सुनी हुई वो ही बोलती हूँ। अगर मैं कोई उपाय बताती हूँ तो भी मैं महाराज जी की बात को सुन के, कथा में सुन के, उनकी बातों को, प्रश्नोत्तरी बातों को सुन सुन के तब मैं आपके सामने रखती हूँ। क्यों, हर कोई नहीं सुन पाता है प्रश्नोत्तरी, तो उनमें से कुछ मैं लेती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि बिना मतलब ऐसे ही मैंने अपने मन से बोल दिया, खुद सुनती हूँ, देखती हूँ, तब मैं आपके सामने रखती हूँ कोई भी उपाय हो। तो श्री रामचंद्र जी हमें उपाय तो करते ही रहने, क्योंकि रामायण में भी सब कुछ बताते हैं, ग्रंथों में बताते हैं, श्री महापुराण में, शिव महापुराण में बताते हैं, और भी ग्रंथ हैं उनमें सब उपाय बताए हैं। तो ये भगवान जी ने बताए, ये कोई जादू टोना नहीं है, जादू टोना नहीं है। राम जैसे पार्वती माँ ने करे हैं उपाय, सोमवती अमावस्या की कथा में बताया ना, पार्वती माँ ने भी सोमवती अमावस्या व्रत रहा था अपने कार्तिकेय जी के लिए। तो ये उपाय तो है, ये उपाय है सब, व्रत रहना, कुछ चढ़ाना करना, तो ये सब उपाय तो ये ग्रंथों में है, सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। तो वही मैं भी बताती हूँ आपको, हमारा हे भगवान हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो, इससे और अच्छी क्या बात है। तो बस इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने ये रामायण पढ़ना शुरू किया है कि अरे कुछ नहीं तो इधर उधर की बातों से तो अच्छा है कि अपने अर्थ सहित रामायण को पढ़ूं, मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। स्टार्ट करते हैं, हर थोड़ा कीर्तन हो जाए, कीर्तन करना बहुत जरूरी है, तो कीर्तन हो जाए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। श्री रामचंद्र जी हमें आज्ञा दीजिए रामायण पढ़ने के लिए। जय श्री रामचंद्र जी, आइए सुनिए सुनाइए हनुमान जी। जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी जरूर होते हैं, तो हनुमान जी को बुला लेते हैं, हनुमान जी आइए और हमारी कथा को
सुनिए, बिल्कुल सादा तरीके से, कोई मंत्र नहीं कुछ नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है ना, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ आता नहीं है, बस हाँ मैं तो पढ़ के सबको सुना रही हूँ, बस बिल्कुल सादा तरीके से। ना हमें भक्ति आती है, ना पूजा करना आता है, ये सब भावना हमें अपनी मन की भावना भगवान जी को बोलनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल सादा तरीके से पूजा पाठ करते हैं, बस ऐसे बोलेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, है ना, कि ये तो अज्ञानी है, इसे कुछ नहीं आता है, चलो इसको आशीर्वाद देते हैं, इन पर कृपा करते हैं, जरूर कृपा करेंगे, हमारा भगवान जी हमारा हाथ जरूर पकड़ेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। वो पतंग वाला भजन है ना, उसी पर डोर ना वो दरवाजे खड़ी हूँ पतंग बन के, आ जाओ मेरे भोलेनाथ डोर बन के, तो बस ऐसे ही है श्री रामचंद्र जी, आ जाओ आपके चरणों में, श्री रामचरित मानस में पढ़ने जा रही हूँ, और मेरा हाथ पकड़ लो, छोड़ना नहीं, और मेरे मन में ऐसी भावना है, मेरे मन में ऐसी प्रेरणा लाना जिससे कि मैं अच्छी अच्छी बातें बोल सकूं। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो भी आप लोगों को भी कोई गलती लगे तो मुझे बताना कमेंट्स करके कि ये गलती हो रही है, जब कोई गलतियां बताता है ना तो उससे बुरा नहीं लगना चाहिए, उससे एक सीख मिलती है, सीख मिलने के लिए ये सब अच्छी बातें होती हैं। तो कभी भी कोई भी बड़ा लोग, कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग हो या छोटे हो, अगर कहीं पे कोई गलती बताता है तो बड़े खुश होना चाहिए कि चलो किसी ने हमें बताई तो, है ना, तो जिससे कि हम आगे सुधार करें। जय श्री रामचंद्र जी की जय। चले पढ़े, हम आ गए थे 110 पर, 10 दोहे पर आ गए, 210 पे आ गए थे, अब इससे आगे अब पढ़ेंगे, उसे रिपीट कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पर थे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर दी, चरण कमल रज चाहे ते कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए, बड़े धीरज से आपके चर कमलों की धूल चाहती है, हे रघुबीर इस पर कृपा कीजिए। छंद पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट बही तज पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक तनमुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहीं आवई वचन कही, अति से बढ़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही, धीरज श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई, है ना, अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई, अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल बाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की,
हे ज्ञान से जानने योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अब पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्याप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहर आपको नेत्र भर कर देखा, इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। उन्होंने क्या मांगा, कौन सा वर मांगा, तो बस मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, यही रस मांगा उन्होंने। जय पद सर सरता परम पुनीता, प्रगट बही से निशीष धरी, सोई पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरयो कृपाल हरी, हे भांति सितारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सो गुरु पावा, जे पत लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी को प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहेत दयाल, तुलसीदास सदते भजो छाण सपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चौपाई। चल चले राम लक्ष्मण मुनि गंगा, गहे जहां जग पावन गंगा, बाद सुने सब कथा सुनाई, जे प्रकार सर सर में आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु विष्णु समेत निहाए, विविध दान मय देवन पाए, हर से चले मुनि ब्रंद सहाया, बेगे बेदे नगर नराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए, फिर मुनि ब्रंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमिता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष, काफी गोप सरित सर नाना, सलिल सुदाह में मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुंजत मंजमा तिरज भंगा, चूजत कल बहु परन बिहंगा, परन बरन बिकते बन जाता, तरबद समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस
होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पशु मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। क्या खिले हुए? कमल खिले हुए रंग रंग के, तरह तरह के, मतलब सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दोहा। सुमन बाटिका बाग बने विपुल विहंग निवास, फूल ते फल ते सुफल बत सोहत पुर चौपास। पुष्प बाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बने न बरे नदी नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, चार बाजार विचित्र हमारी, अनमन में विद जनक व्यवहार तुम्हारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धन के बने के बर धन समाना, बैठे सकल बस लेना, सौरभ सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध से जाई। कुबेर की समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब के चित्र जन रघुनाथ चिते, और नर नार सुभग सुख संता, धर्म शील ज्ञानी गुण बनता। सबके घर मंगल में है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जे जन के निवासो, विकृत कहे विभुत विलोक विलासो, होते चकित चित कोटि विलोकी, सकल भुवन सो भाजन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धवल धाम मने पुरट पट, सुगट तिताना ना भाव, ये निवास सुंदर सदन शोभा किम कहे जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की उस जरी के पर्दे रहे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है, कैसे जा सकता किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलित सपाटा, भूप वीर नट मागत भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। देखो कैसे लगे हुए हैं, राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां माथत राजाओं, नटों, मागदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं और गजशालाएं फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर्य सचिव सैन अपनु तेरे, नृप ग्रह सर से सदन सब के, और बाहर सर सर समीपा उतरे जैते
सूरवीर मंत्रों और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अनुराई, सब सुपास सब भांत सुहाई, कौशिक कयो मोर मनुमाना, यहां रही रणवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह रहा जाए। भले नाथ कह के पान के ता उतरे तह मुनि वृंद समेत, विश्वामित्र महा मुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सखी पे सुच भी भूरे भट भूसर बर गुड़ जा, चले मिलने मन नाए कहे मुद तेराउ ए भात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। तीन प्रणाम चले धर्मा था, तीन असीस मुदित मुनि दाता, विप्र ब्रंद सब सादर बंदे, जान भाग बढ़ राहु अनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रमाण प्रणाम किया। राजा ने मुनि जी के चरणों पर अपना मस्तक मतलब सिर रखकर माथा रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड ली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहे बार है बारा, विश्वामित्र ने पै बैठारा, हे अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृग बयस किशोरा, लोचन सुगत बेसवचित सोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भाई सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन कुल कित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहो विदेहो विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देखी शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धरी, बोले मन पद नाई सुर गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नमाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। हम आ गए 215 पर। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम 215 पर आ गए हैं। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।
है ना, ध्यान से सुना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है श्री रामचरितमानस ऐसे ही पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। मैं आप सबसे फिर बोलती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि श्री रामचरितमानस को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, है ना, दूसरों के पास, जिससे कि सब्सक्राइब करवाइए, जिससे श्री रामचरितमानस का फल सब लोग उठा सके। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, श्री रामचंद्र जी तो कृपा करेंगे, सुनने वाले भी तो करते ही हैं, जब वो दूसरों को भी सुनाते हैं तो उन पे भी श्री रामचंद्र जी बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। रानी कुछ थोड़ा, अरे सॉरी, कीर्तन में रोज भूल जाती हूँ, भगवान जी माफ करना, कीर्तन हो जाए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको, जय श्री राम।